हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि कैसे हम गोट का जो इंटेस्टाइन है उसकी रेसिपी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स में। ये बिल्कुल विलेज स्टाइल है दोस्तों, तो आपको कुछ इसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। मैंने एक इससे पहले इंटेस्टाइन क्लीन करने वाला वीडियो अपने चैनल पर डाला है, आप उसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल। सबसे पहले हमें इसको अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद हम ये रेसिपी प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कढ़ाई, उसको हमें अच्छे से गर्म करना है और हमारा जो फ्लेम है आग का वो अच्छा खासा होना चाहिए ताकि जल्दी कढ़ाई गर्म हो जाए। और गांव में बेसिकली हम ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं जो भी बनाना होता है, मीट या फिर लादी। अब कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। बेसिकली हमारा जो भी फूड होता है हम मस्टर्ड ऑयल में ही प्रिपेयर करते हैं। आप अगर किसी और भी तेल को यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब ये जो गोट का फैट है वो हम डालेंगे, सबसे पहले हमें उसको अच्छे से तल लेना है। उसके बाद जो हमारा लादी, जो कि बेसिकली आप लोग बोटी बोलते हैं, तो उसको हम फ्राई करेंगे। वो भी प्रोसीजर मैं आपको पूरे इस वीडियो में दिखाऊंगी, देखते रहिए। अब ये है मसाला जो कि बेसिकली हमने प्रिपेयर किया है बोची बनाने के लिए। तो इसमें है अनियन का पेस्ट और गार्लिक है, 1 चम्मच हल्दी है, और जो घर पे हम मसाला इस्तेमाल करते हैं वो है, आप चाहें तो बाज़ार का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपका जो भी मसाला यूज़ करते हैं नॉनवेज बनाने में आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको हमने अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में ताकि ये अच्छे से उसमें मिक्स हो सके। अब हमने जो बोटी को अच्छे से धुल लिया था वो इसमें मैंने डाल दिया है, और इसमें हमें डालना है एक अच्छे अमाउंट में नमक ताकि ये अच्छे से गल जाए। और आप आज देख ही रहे हैं कि हमें कितना रखना है, इस तरीके से हमें इसको पूरा मिक्स करना है। अब हमने इसमें मसाला भी मिला लिया है और हमें इसको आंच पे ऐसे पकाना है पूरा। दोस्तों इसको बनाने में काफ़ी अच्छा खासा समय लग जाता है, टाइम आप नहीं इसमें बता सकते कि कितना ज़्यादा लग सकता है, बहुत समय लगता है। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी हल्का हल्का सा पानी जैसा आपको दिख रहा है, आप चाहें तो इसको बिल्कुल सूखा बना सकते हैं। तो आज मैं इसमें कोई ग्रेवी नहीं लगा रही हूँ, अगर आपको ग्रेवी लगाना है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं और ज़्यादा, पर यहाँ मैं ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ इसलिए मुझे बिल्कुल सूखा बनाना है। तो थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही आँच पे और पकाएंगे और फिर अब मैं दिखाऊंगी मेरा फाइनल वाला रेसिपी। टन टन, तो फाइनली मेरा जो बोटी वाला रेसिपी है वो बनकर तैयार हो गया है और मैं बता नहीं सकती कि मुँह में कितना पानी आ रहा है खाने के लिए। वाओ, जस्ट वाओ, इतने अच्छे से ये पूरा मसाला इसमें मिक्स हुआ है ना कि आप खुद बता सकते हैं कि इसका टेस्ट जो होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। तो आप कमेंट में जाइए और लिखिए कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी, और अगर आपका इस जो रेसिपी से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में आप शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए, शेयर करिए और खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।